मैं अभी श्रीनगर अपने घर के अंदर आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ घर के गेट पे ताला लगा हुआ है। तो मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख्यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं, तो मजबूरन मुझे आज ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदों के मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि इससे ज़्यादा शायद हम कर नहीं सकते थे। हकीकत यह है कि हमारे मुखालिफ भी इस चीज़ को तस्लीम करने पर मजबूर हुए कि जहाँ तक केस का सवाल है, हमारे सबसे बेहतरीन वकील और उनकी जो कोशिशें रहीं, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, गोपाल सुब्रमण्यम साहब हो, मुझे नहीं लगता है कि उससे बेहतर वो कर सकते थे। 370 और रियासत दोबारा बहाल हो उसके लिए। बदकिस्मती से हम उन 5 ऑनरेबल जजेस को अपने मतलब सोच में हम उनको ला नहीं सके, उसके लिए तैयार नहीं कर सके, जिसके लिए न सिर्फ मुझे अफसोस है, हम माजरत खां हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ और बाकी मुल्क के उन लोगों के साथ जो चाहते थे कि हम इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। मैं दिल की गहराइयों से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी जगह ये भी कहना चाहता हूं कि मामला यहां ख़त्म नहीं होता, हमारी कोशिशें यहां ख़त्म नहीं होंगी। अगर यहां प्रेस वाले होते तो शायद वो मुझसे पूछते कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं। डू यू रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते क्यों इंसाफ हासिल करने के लिए? हकीकत यह है कि अगर हम आज कामयाब होते तो क्या मुझसे पूछा जाता डू यू रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट? हारने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते तो वो अपनी जगह गलत होता, लेकिन क्या इसके बाद हमारे पास और रास्ते हैं? क्यों नहीं हैं? बिल्कुल हैं। क्या दोबारा अदालत के दरवाज़ों को खटखटाना हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी है या क्या हम उस पर सोच सकते हैं? मैं कह नहीं सकता हूँ, हमें अपने वकीलों से बात करनी होगी। पूरा जजमेंट जब आ जाए, जब हम तफसील से उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद वकीलों से मशवरा करके हम ये तय कर सकते हैं कि क्या अदालत के दरवाज़े दोबारा खटखटाए जाने चाहिए या नहीं। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद नए साल में हम
इस पे जो है कोई फैसला आपको बता सकेंगे। लेकिन वो छोड़, अदालत के दरवाजे छोड़ के मैंने हमेशा कहा है कि ये हमारी लड़ाई जो है ये एक सियासी लड़ाई है, एक आईनी लड़ाई है, कानून के दायरे के अंदर लड़ाई है। और ठीक है, आज हम इन 5 ऑनरेबल जजेस को कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन इससे पहले भी 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले थे 3 जज बेंच में, चाहे वो संपत प्रकाश केस में हो या दूसरे केसेस में हो, जिसमें आज के फैसले से हटके बिल्कुल इसके ऑपोजिट सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपना फैसला सुनाया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि 370 जो है वो परमानेंट है और आइन साज असेंबली के टूटने के बाद या उसको ख़त्म करने के बाद 370 को हटाया नहीं जा सकता। तो आज 5 जजों ने, इससे पहले जो 3 जज बेंच का जो फैसला था उसको बदल दिया। तो मुमकिन है आगे जाके एक और बेंच जो है वो आज इन 5 जजेस का जो फैसला है उसको बदल देगी। लेकिन जहाँ तक सियासी बात पे मैं आ जाऊँ, क्या उस वक्त संपत प्रकाश केस के बाद बीजेपी ने अपनी कोशिशें बंद की? क्या वो रुके? जिस चीज़ को हासिल करने के लिए उनको शायद अब 70 साल से ज़्यादा लगे, 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमज़ोर और उसके बाद ख़त्म करने के लिए, आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए। लेकिन जहां अदालत में उनके हक़ में फैसले नहीं हुए, वहां उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी। तो इसी तरह हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। पुरमन तरीके से आईन कानून इन चीज़ों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जिद्दोजहद करेंगे, इस उम्मीद के साथ। चलिए आज नहीं, आगे जाके कहीं मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज़्ज़त है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। तो मैं लोगों को सिर्फ यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बेशक आज हम नाकामयाब रहे, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। ज़रूर दिल को धक्का ज़रूर पहुंचा है, आज हम अपनी जगह अफसोस, हमें अफसोस लग रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिशें जो हैं ये जारी रहेंगी। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने 2019 के बाद सब्र से काम लिया, उन्होंने हालात या माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इसी तरह का जो है लाअमल जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक हफ्ते की लड़ाई नहीं है, ये एक महीने की लड़ाई नहीं है, शायद ये एक साल की भी लड़ाई नहीं होगी। कब हम इस लड़ाई में अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कोई कह नहीं सकेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपनी कोशिशें जो हैं वो पूरी तरह से हम जारी रखेंगे। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की बात की हो या स्टेटहुड की बात की हो या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की हो, मैं इस पर आज जाऊँगा नहीं, क्योंकि बड़ा मामला हमारे लिए इलेक्शन नहीं था। स्टेटहुड कुछ हद तक हमारे लिए एक इशू है, लेकिन 370 के मुकाबले में भी स्टेटहुड हमारे लिए इशू नहीं था। और जहां तक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात है, उस पर मैंने पहले भी बहुत बात की है, आगे भी करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ 370 के बारे में और आज के फैसले के बारे में अपने ख्यालात आपके सामने रखना चाहता था, इस उम्मीद के साथ कि आप समझोगे कि हम इस फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमने, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, हम इंसाफ की उम्मीद लेके हमने अदालत के दरवाज़े खटखटाए थे। चलिए इस बार ना सही, अगली बार। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है
गम की शाम, मगर शाम ही तो है।